हेलो। हाँ ब्रो, बढ़िया है भाई। अपनी बताओ। बढ़िया चल रहा है ब्रो, बस फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। हाय ब्रो। अरे ब्रो, और बढ़िया। क्या चाल है? बढ़िया। बैठ। ए छोटे, पानी लेकर आ भाई के लिए। और बताएं। भैया गुड न्यूज़ है। क्या छोटे? ये रहा कागज़ प्रॉपर्टी का। ये अपना सपना अब साकार होने वाला है। इसको देखिए, ये सारी प्रॉपर्टी अब अपनी होगी। वाह छोटे वाह, तूने तो कमाल कर दिया। अब ये सारी प्रॉपर्टी अपनी होगी जो मेरा सपना था। छोटे जी भैया, बुला उसको, साइन कराते हैं। जी भैया। बेटे इधर आ जाओ। आओ बेटा इधर आ जाओ। आ जाओ जी भैया। बैठा बैठ। अरे बेटा वहाँ कहाँ, वहाँ कहाँ, इधर इधर बैठो बैठो। बेटा अब आप काम नहीं करोगे, अब आप अच्छे स्कूल में पढ़ोगे। ये एडमिशन का फॉर्म है, ये लो, इस पे अपना नाम लिख लो। यहाँ सिग्नेचर करो। बस बहुत बढ़िया, अब आप पढ़ने जाएंगे। यहाँ एक सिग्नेचर करो। बस बहुत बढ़िया भैया, सपना पूरा। भैया स्कूल पढ़ेगा, ये तेरी औकात है स्कूल पढ़ने की? स्कूल पढ़ेगा तू? साले मेरे भैया ने तुझे 2 साल खाना खिलाया पिलाया, साथ में रखा, पता है क्यों? नहीं पता होगा ना, मैं बताता हूँ। ये तूने जो साइन की ना, एडमिशन फॉर्म नहीं है, आज से तेरी सारी प्रॉपर्टी हमारी हुई। उठ साले गरीब, तेरी औकात थी हमारे साथ रहने की? मैं तो अपनी भैया की वजह से चुप रहता था, तुझे जब भी घर में देखता था मेरा खून खौल उठता था। निकल जा हमारे यहाँ से, दिखाई मत देना। तेरा बाप मर गया और हमारे ऊपर छोड़कर चला गया तुझे। निकल जा यहाँ से। हाँ भैया, आम ले लो भैया, 100 का 2.5 किलो, 100 का 2.5 किलो, 100 का 2.5 किलो भैया। केला भैया 60 रुपया दर्जन, 60 रुपया दर्जन भैया। आम 2.5 किलो भैया, 100 का 2.5 किलो, 2.5 किलो, 2.5 किलो, 100 का 2.5 किलो भैया। आम अबे वही क्या कर रहा है? हाँ क्या कर रहा है ये? हाँ चोरी कर रहा है साले। भैया मैंने चोरी नहीं की, भूख लगी थी इसलिए उठा लिया। ओ इधर ला साले, सेब खाएंगे। अबे तू तो वही है ना जो उस दिन रेस्टोरेंट में प्लेट उठा रहा था झूठी वाली, और तेरी हालत ऐसे कैसे हो गई? हाँ भैया मैं जहाँ काम कर रहा था वो मेरे चाचा जी थे, उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया और मेरी जमीन सारे अपने कब्जे में कर ली। देख बेटा, जो तेरे साथ हुआ बहुत गलत हुआ, और मैं समझ सकता हूँ तेरी तकलीफ़, तेरा दर्द। अब तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ठीक है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे बिठा के खिलाऊँ। मेरे साथ चल, मेरे साथ काम कर, मैं तुझे खिलाऊँगा। चल बेटा, भूख लगी तुझे? अंकल 2 समोसा दीजिए।
देख बेटा, जो तेरे चाचा ने किया ना वो बहुत गलत किया। ये दुनिया स्वार्थी है, बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता। मैं भी तेरी तरह बचपन में था, मेरा भी कोई नहीं था, मैं भी तेरी तरह था। ना खाने के लिए अच्छे खाने थे, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, और फिर मैंने दुनिया से लड़ना सीखा। कुछ किया अपने लिए, अपने दम पे खड़ा हुआ अपने पैरों पे। देख बेटा, जैसे तेरा कोई नहीं इस दुनिया में, वैसे मेरा भी कोई नहीं है। और आज से तू मेरा छोटा भाई होगा, जो भी करेंगे साथ में करेंगे, ठीक है? हाँ भैया, 50 का 3 किलो आम ले लो। आम ले लो भैया, 50 का 3 किलो आम ले लो। आम ले लो भैया, 50 का 3 किलो आम ले लो। आइए भैया, ताज़ा रसीला आम है भैया, आइए आइए भैया, ताज़ा रसीला आम है, आइए ले जाइए भैया। आम ले लो अब भैया, बहुत रसीला आम है। वाह छोटे, बड़ी सवेरे सवेरे ठेला लगा लिया। वाह छोटे, तू तो बहुत मेहनती निकला। तू ठेला संभाल, मैं मार्केट होकर के आता हूँ, ठीक है? कुछ देर में आओ भैया, आम ले लो 50 का 3 किलो आम ले लो। आओ भैया, बहुत रसीला आम है, आइए भैया देख लीजिए, ऐसा हम कहीं नहीं पाएंगे, आइए। ए रुक 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 रुक, क्या हुआ छोटे? तो भतीजा लग रहा है अपना। हाँ यार, चल देखते हैं, चलकर चल। क्यों बे, नया काम स्टार्ट कर दिया? साले तेरी औकात ही क्या है, इसके अलावा तू कर भी क्या सकता है साले, गंदी नाली के कीड़े। अच्छा छोड़, ये बता कैसे दिया तू? छोटे रेट क्यों पूछ रहा है, कहाँ पैसे देने हैं? हाँ, 2 साल अपने आराम का खाया बैठकर ऐसे ही बराबर करते हैं, क्या बोलता है? और क्या, देखता हूँ पहले, चेक कर लो कैसा है। सलाम है, सारा आम बेचता है। एक काम करते हैं, इसका सारा आम भरते हैं। और राहुल, और सब अपना एक टेंशन ले रहा है, ये देख सड़े आम रखा है, ये सड़े सड़े आम रखता है। चलो इतना चलो देना, बस हो गया। अरे चाचा जी मेरे पैसे तो देके जाओ। साले तेरी औकात कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? साले काल की गंदी नाली के कीड़े, कैसे हो पैसे दे? पैसे चाहिए इसको, ले पैसे, ले पैसे। क्या हुआ, क्यों रो रहा है तू? हाँ भैया, मेरे चाचा जी आए थे। ओ छोटे सबर कर, समय से सब सही हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि विधि का विधान है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। अच्छों के साथ हमेशा अच्छा होता है, अब बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है। वक्त अपना भी आएगा और फिर एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? हाँ भैया, 100 का 2.5 किलो, 100 का 2.5 किलो भैया, 100 का 2.5 किलो, 100 का 2.5 किलो भैया, 100 का 2.5 किलो भैया, 100 का 2.5 किलो, 100 का 2.5 किलो भैया, 100 का 2.5 किलो ले लो भैया। हेलो, हाँ आकाश भैया, सारी मिठाइयाँ पैक करवा के भिजवा दो, पूरे गांव में बंटवाना है, क्योंकि मेरा भाई IPS ऑफिसर बन गया है। भैया, अरे अरे सर, ये क्या कर रहे हैं? आपकी जगह वहाँ नहीं, यहाँ है। भैया मैं कितना भी बड़ा हो जाऊँ, लेकिन आपके सामने हमेशा छोटा रहूँगा, तो प्लीज मुझे सर मत बोलिए।
नहीं छोटे, तूने तो वो मकाम हासिल किया है जो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आईपीएस ऑफिसर बनके तूने तो पूरे गांव में मेरा नाम रोशन किया है और इसीलिए मुझे तुझ पे गर्व है। भैया जो भी कुछ हूँ ना, बस आपकी वजह से हूँ। देखो वकील साहब भी आ गए। हेलो सर। हेलो भैया, ये वकील साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? छोटे शायद तू भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूला। बचपन में तेरे चाचा जी ने तेरे साथ बहुत गलत किया। तेरे चाचा जी को ये बात नहीं मालूम थी कि उस टाइम पे तू नाबालिग था। जो सिग्नेचर तूने प्रॉपर्टी पे की थी ना, वो कोर्ट में मान नहीं होगी, यानी कि तेरी प्रॉपर्टी आज भी तेरी ही है, इसलिए मैंने वकील साहब को बुलाया है। भैया जो वो उसको जाने दीजिए, वो ज़मीन मुझे नहीं चाहिए। बात ज़मीन की नहीं है, बात सही और गलत की है। उन्होंने तेरे साथ बहुत गलत किया था। ठीक है भैया, जैसा आपको सही लगे वैसा करिए। चलो वकील साहब। हेलो हेलो मिस्टर अजय विजय घर यही है? हाँ यही। चलिए अंदर, काम है। क्या काम है सब बताइए। मिस्टर विजय, आपने कुछ समय पहले एक मॉल बनवाया था। हाँ? जो कि वो ज़मीन एक लड़के के नाम थी। हाँ? उसमें आपने अवैध कब्जा करके उस ज़मीन हड़प लिया है। कब्जा? कैसा कब्जा? आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, वो ज़मीन मेरे ही नाम है। अपने ऐशोआराम के लिए कितना झूठ बोलोगे? वो ज़मीन तुम्हारे नाम नहीं बल्कि तुम्हारे भतीजे के नाम थी। झूठ कौन बोल रहा है? क्या हुआ भैया, ये लोग कौन है? छोटे ये लोग कह रहे हैं जिस ज़मीन पे हमने मॉल बनवाया है, ये कह रहे हैं वो ज़मीन हमारे भतीजे के नाम है। क्या? इंसान हमारे भतीजे की तो डेथ हो गई थी और वो ज़मीन हमारी है। जिस भतीजे की आप बात कर रहे हैं वो आपके सामने खड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते वो आज एक आईपीएस ऑफिसर है। हाँ चाचा जी, ये सही कह रहे हैं। जिसे आपने घर से बाहर निकाला था मैं वही हूँ। और चाचा जी, जिस समय आपने मुझसे साइन करवाई थी शायद आप भूल गए थे कि मैं नाबालिग था। वो ज़मीन आज भी मेरे नाम है और ये रहा उसका असली कागज़। जिस वक्त आपने मुझे घर से बाहर निकाला था उस दिन इस भाई ने मुझे रखा, पाला पोसा, बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया और आज मुझे आईपीएस ऑफिसर बनाया। वो कहते हैं ना, अगर इंसान के अंदर लालच आ जाए तो अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। ये ज़मीन मुझे नहीं चाहिए। भतीजे, हम समझ नहीं पाए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने लालच के चक्कर में तुम्हारे साथ ये सब कर दिया, हमें माफ़ कर दो। और ये ज़मीन हम लोगों को नहीं चाहिए। ए, ये क्या लगा रखा तुमने? चलो थाने चलो। नहीं ऑफिसर, रहन दो, मैंने इनको माफ़ कर दिया। ठीक है सर, जैसा आप कहें, आपका फैमिली मैटर है। भैया मुझे यहाँ नहीं रहना। चलिए चल छोटे।